अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 16 अप्रैल 2024 और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के एक सब स्टेशन हल्लोकी अबैंडन रेलवे स्टेशन पर। और पीछे आपको हल्लोकी की जो अबैंडन बिल्डिंग है वो नज़र आ रही होगी। और तकरीबन सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं आज इधर रेल फैनी करने पहुँचा हूँ। और पीछे आपको लाइन्स नज़र आ रही होंगी हल्लोकी की, जो यहाँ से ट्रेन गुजरती हैं। तो आज जो है मैं क्या आपको हल्लोकी जो है रेलवे स्टेशन दिखा दूं। और हल्लोकी एक बेसिकली एक पिंड है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, और लाहौर का ही एक पिंड है हल्लोकी, और उसी का जो है ये एक सब स्टेशन है। तो किसी ज़माने में यहाँ पे ट्रेन चला करती थी और ट्रेनों के जो है स्टॉप हुआ करते थे। तो अब जो है ये वर्किंग में नहीं है और बिल्कुल ही बंद है। और पीछे आपको नज़र आ भी रहा होगा कि अब यहाँ पर क्या वर्किंग में है। तो यहाँ पे मवेशी जो हैं, जानवर बंधे हुए हैं स्टेशन पर, और उनके ये घर है, यहाँ पर ही वो सोते हैं, यहीं पर वो जो अनाज वगैरह है, दूध वगैरह जो है वो देते हैं। तो अब ट्रेनों का यहाँ पे कोई जो है वो नहीं है अब वर्किंग। तो बस यहाँ से अब ट्रेन जो है अच्छी स्पीड में पास शुरू होती हैं और उसी को इंशाल्लाह जो है हम कैप्चर करेंगे। और थोड़ी सी पीछे जो अबैंडन्ड बिल्डिंग है वो दिखाएँगे और उस पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो वर्किंग थी वो कैसे थी। तो बाकी अभी जो पहली ट्रेन हमें मिलेगी 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस, 2 डाउन खैबर मिल एक्सप्रेस, 13 अप अवाम एक्सप्रेस और 2 डाउन खैबर मिल एक्सप्रेस। जो बाकी गाड़ियां हैं 33 अप पाक विजन एक्सप्रेस वो आज लेट है, और 15 अप कराची एक्सप्रेस वो भी लेट है। तो वो गाड़ी शायद हमें नहीं मिल पाएगी। तो जो ये गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर कैप्चर करेंगे। तो आज का पहला एक्शन 7:10 हो रहे हैं और सामने से आ रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, और विशाल आप सुन रहे होंगे, और G20 इसको आज लीड कर रहा है। और मोस्टली जो है G20 इसको लीड करता है समासट्टा तक, और वहाँ से इसकी पावर चेंज होती है और वहाँ से कुछ कोचेस भी इसको अटैच होती हैं और पावर भी जो है वो चेंज होती हैं। G24570 इसको लीड कर रहा था। और आपको बताऊं ये जो ट्रेन है ब्रांच लाइन की ट्रेन है कसूर से, रावण से कसूर की तरफ, और पाक वतन लोधरा ब्रांच लाइन की ये गाड़ी है। दोस्तों मैं अकेला नहीं आया यहाँ पर रेल फैनी करने, आज मेरे साथ बिलाल भाई आए हैं पाकिस्तान ट्रेन्स के, जिनका यूट्यूब पे चैनल है। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। तो पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आज माशाल्लाह आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे साथ रेलफैनी करने पहुँचे। आपका शुक्रिया आप मुझे अपने साथ लेके अपनी बाइक पे। ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया कि आप आए, वो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो और अब बिलाल भाई आए रेलफैनी करने, तो कौन कौन सी ट्रेन हमें यहाँ पर मिलेंगी? उम्मीद है पहली 4 तो मिल जाएंगी जो लाहौर पहले आ जाती है और निकल जाती है, यानी कि फरीद खैबर में लाहौर इस साइड से देखे हैं, पिशावर की 2 गाड़ियां अवामी और जाफर उसके बाद हैं कह दें, लेकिन वो एक्सपेक्टेड तकरीबन 2-2.5 बजे के बाद ही पहुंचेगी लाहौर। तो इतनी देर तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते, वैसे भी आज वर्किंग डेज है और ऐसे ही है। तो बाकी थोड़ा सा इस हल्लोकी का पिंड गाँव के बारे में बताएँगे, इसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह। हिस्ट्री वगैरह तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि पहले तो ये पिंड था, लेकिन अब ये शहर की सूरत इख्तियार कर गया है, वो इस वजह से। क्योंकि साथ ही आपको पता है, अभी आपने दिखाना भी है कि हल्लोकी इंटरचेंज है, जैसे रिंग रोड गुजर रही है, इसके अलावा हल्लोकी गार्डन, काफ़ी जो स्कीमें हैं, जो नई स्कीमें हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो भी यहाँ पर बन रही है।
तो इसलिए अब इसको पिंड तो ना कहा जाए, लेकिन अभी भी मकामी लोग ना इसको पिंड ही कहते हैं ऐसे ही। और अगर इन्होंने जाना हो ना उस साइड पर तो वो कहते हैं मैं लाहौर चलना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हिस्ट्री इसकी ज़्यादा नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता, अगर होगी तो वहाँ बाद में बता दें। बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसे कि बलाल भाई ने बताया। हाँ बाकी स्टेशन ही बता दें तो हाँ कि जिस वक्त पैसेंजर ट्रेनें हमारी वर्किंग में थी, उकाड़ा पैसेंजर, बुलेट शाह पैसेंजर और पाकुटन पैसेंजर, इस तरह की जब ट्रेनें वर्किंग में थी उस वक्त तक ये ट्रेन और उस वक्त तक ये स्टेशन वर्किंग में था। और ये हाल स्टेशन था और अभी भी है, क्योंकि हाल स्टेशन है अभी भी है। हाँ लेकिन अब उसकी से वाकियात मौजूदा हुआ कोई हमला उमला कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा लास्ट टाइम अगर देखा जाए, ये भी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, माशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि जो स्टेशन मैंने आपने दिखा के देनी थी तो काफ़ी आपने जब बता दी कुछ, माशाल्लाह मैं देखूंगा और आपको बाकी कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका आपका आने का। तो बाकी फिर रेल फैनिंग इन्जॉय करते हैं, अभी साथ हैं बहुत। हाँ देर है अभी तकरीबन 8-9 बजे तक साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरेगा हमारा। तो आप बताएं आपको आजकल बड़ी कम वीडियोस आ रही हैं, इंशाल्लाह अब दोबारा रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। चले इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा, बहुत शुक्रिया। ये स्टार्टिंग ही हो रही है आपके साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं, मेरी भी बस स्टार्टिंग ही हो रही है। हाँ क्योंकि मेरी भी बहुत कम वीडियोज जो है आ रही हैं आजकल। सही चलें ठीक है दोस्तों, 8:20 हो रहे हैं और 13 अब आवाम एक्सप्रेस आ रही है और 1 घंटा 30 मिनट आज लेट चल रही है ये, और हल्लोगी से जो है पास होगी और ZC30 इसको डिलीट कर रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में पास हुई 13 अवाम एक्सप्रेस और ZC30-6327 इसको लीड कर रहा था आज। अच्छा थोड़ी सी आपको हल्लोकी की स्टेशन की जो है सूरत दिखा दूँ, जो अबैंडन्ड बिल्डिंग है इसकी, ये सामने मवेशी बांटे हुए हैं बिल्डिंग के आगे और ये अबैंडन्ड बिल्डिंग है इसकी। ये मेरा ख्याल है कि स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस होता था। इस टाइम जो है जाले लगे हुए हैं इसके बाहर, ये सूरत हाल है। और इसके साथ ही टिकट घर है, वो भी देखते हैं। और ये शटल ट्रेन का लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट जो 2020 में चला करती थी लाहौर से कसूर तक और कसूर से लाहौर तक, और ये सारे इसके स्टेशन हैं जहाँ जहाँ पे रुका करती थी। और नीचे मार्कर से पेंट उतर चुका हुआ है, तो ये सारे जो है लिखे हुए रूट कितने बजे पहुंचती थी और कितने बजे रवाना होती थी। और ये साथ ही टिकट घर है इसके और किरायानामा लिखे हुए हैं शटल ट्रेन के लाहौर ऐसे कसूर तक के, छोटे बड़े किराए जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए, बाकी मिट चुके हुए हैं क्योंकि काफ़ी देर की वर्किंग में नहीं है ये। और ये इसके अंदर की जो है वो सूरत हाल है टिकट घर की। तो ये जो है इसकी स्टेशन की जो है सूरत हाल है। और सामने ये देख रहे हैं पिंड देख रहे होंगे आप हल्लो की, अब तो पिंड नहीं रहा ज़्यादा, ये शहर बन चुका है क्योंकि कोठियाँ जो है दूर दराज तक आपको नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह बन चुकी हैं। तो अब ये जो है पिंड से शहर की तरफ जो है वो गामजन हो चुका हुआ है, अब ये माशाल्लाह शहर बनता जा रहा है। तो ये थी हल्लोकी की स्टेशन की सूरत हाल अबैंडन्ड की। तो बाकी ये आपको मैंने दिखाई, बाकी अब ट्रेन की ट्रेन भी आपने देखी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ से पास थ्रू हुई। तो बाकी ये स्टेशन की थी सूरत हाल जो आपको मैंने दिखाई दोस्तों। 8:30 हो रहे हैं और 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस आ रही है और जिसकी लीड में आज 049010 इसको लीड कर रहा है।
स्पीड आपने देखी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड थी आज जी। दोस्तों सामने से AG30 आ रहा है और मेरा ख्याल है उसके साथ मालगाड़ी आ रही है, तो हल्की से जो है अभी पास होने लगी है, तो देखते हैं नंबर कौन सा है इसका। कोयल ट्रेन है AG30 6027। AG30 6027 के साथ कोयल ट्रेन और मालगाड़ी थी जो अभी हल्लो की बैंडर स्टेशन से पास हुई है, और अभी थोड़ी देर में 39 अब जाफर एक्सप्रेस में पास होगी जी। दोस्तों 9:10 हो रहे हैं और सामने से आ रही है 39 जाफर एक्सप्रेस, जिसकी लीड में आज G20 4569 लीड कर रहा है आज लोकोमोटिव। आज की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीड 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस की, और रेल फेयरिंग माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही और बहुत अच्छा एक्शन मिला आज का जी। दोस्तों आज की आपने रेल फेयरिंग देखी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रही, और सबसे स्टेशन की खास बात माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड मिली। और बिलाल भाई से पूछते हैं, बिलाल भाई कैसा लगा यहाँ पे रेल फैनिंग करके? मैं जब रेल फैन हूँ, उसको रेल अच्छी ना लगे ये कैसे हो सकता है? रेल अच्छी लगेगी हमेशा बेशक जिस हालत में मर्जी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह आज खूब इंजॉय किया स्टेशन पे बिलाल भाई ने भी और मैंने भी, तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सफ़र में या किसी जगह पर मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।